नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब तो याद ही होगी, जिसे एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था। चंकी पांडे भी प्रमुख भूमिका में थे और क्या जबरदस्त लाजवाब फिल्म थी। जितनी जबरदस्त फिल्म थी कि जितना बेहतरीन रोल अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का था, उतना ही शानदार फिल्म का डायरेक्शन था और म्यूजिक तो कमाल था ही। एक दो तीन चार, आज भी एक दो तीन चार कोई भूल नहीं सकता जो सॉन्ग था। तो दोस्तों, अब इस फिल्म का एक रीमेक बनाने की तैयारी की जा रही है। जो कबीर सिंह फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मुराद खेतान, उन्होंने तेजाब फिल्म के रीमेक बनाने के राइट्स खरीद लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने राइट्स खरीद लिए हैं। 2021 में शायद उन्होंने ये राइट्स खरीद लिए थे और इस फिल्म का, इस सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म का वो रीमेक बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में जो अब जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, तो उसके अनुसार इस फिल्म में जो मेन लीड कलाकार है, जो अनिल कपूर वाली भूमिका है, वो रणवीर सिंह को दी जा सकती है। रणवीर सिंह से संपर्क किया गया है, अप्रोच किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, पहले माधुरी दीक्षित के रोल के लिए श्रद्धा कपूर से बात की गई थी, उसके बाद में मेकर्स का थोड़ा मूड चेंज हुआ और अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अनुसार श्रद्धा कपूर की जगह जाह्नवी कपूर को इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कास्ट किया जा सकता है। अब अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कास्ट के बारे में नहीं की गई है, लेकिन जल्दी ही फिल्म की स्टार कास्ट अनाउंस की जा सकती है और रीमेक की घोषणा भी की जा सकती है कि कब ये फिल्म फ्लोर पे जाने वाली है। स्क्रिप्ट के लेवल पर अभी काम चल रहा है और ये फिल्म डेफिनेटली बनाई जाने वाली है, क्योंकि रीमेक के राइट्स खरीदे जा चुके हैं। तो जैसे इस फिल्म से जुड़े जो लेटेस्ट अपडेट सामने आते हैं, मैं आपको तुरंत अवगत कराता रहूंगा। फिलहाल आप बताइएगा कि अगर तेजाब का रीमेक बनाया जाता है तो परफेक्ट स्टार कास्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि रणवीर सिंह और श्रद्धा कपूर, या रणवीर सिंह या जाह्नवी कपूर, या रणवीर सिंह के बजाय किसी और हीरो को यह मौका दिया जाना चाहिए कि जो अनिल कपूर ने जिस प्रकार का जबरदस्त रोल प्ले किया था वैसा रोल प्ले कर सके। जो भी आपकी राय हो बताइएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।